झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर से। रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि ऑनलाइन प्रश्नोत्तर प्रणाली में मजबूत हुई विधानसभा। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर से आहूत किया गया है। सत्र के सुचारू संचालन के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह तथा अन्य विभागों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सत्र को लेकर समुचित संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए झारखंड विधानसभा में प्रवेश का निर्देश दिया गया। सत्र के दौरान विधायी कार्यों को लेकर अल्पसूचित तथा तारांकित प्रश्नों के उत्तर तिथि से एक दिन पहले सभी सचिवालय को शाम 6 बजे तक उपलब्ध कराने का निर्देश विभागों को दिया गया। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यदि आगामी सत्र में विधेयकों को लाया जाना है या संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना है तो उसे समय पर विधानसभा को उपलब्ध कराया जाए, जिससे सदस्यों के बीच प्रतियों का वितरण हो सके। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रश्नोत्तर प्रणाली की दिशा में हम और भी मजबूत हुए हैं और इसे अधिक व्यापक बनाए जाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। बैठक में मुख्य सचिव ने विधानसभा में स्थायी पुलिस से कंट्रोल रूम गठित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा ई नेवा की दिशा में काम कर रही है। बहुत जल्द ही ई नेवा के समग्र रूप को विधानसभा में अपना लिया जाएगा।